हिसाब से प्रतिनिधित्व करेंगे तो जो शब्द का इस्तेमाल किया था मैं शब्द कहने से बचूंगी, लेकिन कहा था वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। सोचिए उनकी परदादी जिन्होंने इंश्योर किया कि बाबू जगजीवन राम कभी भी प्राइम मिनिस्टर ना बने, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो एक बार बन जाएंगे तो हटेंगे नहीं। वो राहुल गांधी जिनके पिताजी ने 10 साल तक मंडल कमीशन को लटका के रखा, वो राहुल गांधी जो खटाखट साम्राज्य के बेताज बादशाह हैं, शहजादे हैं, वो अब कुछ ऐसे वादे करने आ रहे हैं जिन वादों से उनका लेना देना नहीं है। काश उन्होंने संविधान पढ़ा होता, काश इस संविधान की परस्ती वो कर रहे हैं, ले लेकर घूम रहे हैं उसकी प्रतियों को जगह जगह दिखा रहे हैं, काश वो जानते कि उस लाल किताब में क्या है। साथियों सबसे पहले तो ये कि जिस तरह से उन्होंने वादे खटाखट के किए थे, वैसी जो वादे स्टेटहुड के कर रहे हैं वो वादा ना सिर्फ एक डिक्लेरेशन है बल्कि केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित पहले किया गया है। और संभव नहीं है किसी भी तरह से कि वो यानी कि राहुल गांधी बावजूद इसके जो उसके हालांकि मुझे इसके इम्कान नजर नहीं आते कि वो कभी भी राज्य सरकार के तहत वो कानून हो कि वो किसी भी यूपी को राज्य बना दे या किसी राज्य को यूपी बना दे, ये काम सिर्फ और सिर्फ सेंटर का होता है। और भी इन बातों पर गहन चर्चा करेंगे, देखेंगे भाई साहब ने और क्या क्या नई चीजें डिस्कवर की हैं अपने देश अपने संविधान और आदर्श के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरे बड़े भाई हमारे बहुत ही सीनियर लीडर श्यामलाल जी से गुजारिश करूंगी कि आज के राहुल गांधी जी के जो भी अनाप शनाप बयान है उनके बारे में उनकी क्या सोच है वो आपके बीच आपके समक्ष रखें। धन्यवाद बैंक शाजिया जी। पत्रकार बंधुओं आप लोगों के समक्ष आने का हमारा कारण बहन जी ने तो रखा है, लेकिन एज ए डोगरा आपको पता है कि हमने कभी भी डोगरू ने अपनी आन बान शान के साथ कभी समझौता नहीं किया। और डोगरा वॉरियर्स ऐसे वॉरियर थे हिंदुस्तान में दूसरे राजाओं ने जो भी लड़ाई लड़ी है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया लड़ी है, लेकिन डोगरा वॉरियर्स महाराजा गुलाब सिंह से लेके महाराजा हरि सिंह थे और जिसमें जनरल जोरावर सिंह, हम इन लोगों ने अपनी सरहदें जो है तिब्बत बल्तिस्तान अफगानिस्तान तक बढ़ाई। और आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक आदमी दिल्ली से उठता है और यहां आके जम्मू संभाग में और कश्मीर संभाग में बनाल के इस पार और भनाल के उस पार एक बात रखते हैं और वो बात जो है वो 1931 से और 1949 से जुड़ती है। मैं आज पुंछ और मैंडर में था तो जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि मैं बारिश हूं डोगरा जो हमारी यहां की सल्तनत रही है। 125 साल डोगरू ने जम्मू कश्मीर में राज किया है, कहीं भी मेरे राजा महाराजाओं पे एक भी बात नहीं। और यार लाइट चल रही है, कैमरे भी लाइट कर दो ना। तो देखिए मैंने कहा कि 125 साल 1822 से लेके 26 अक्टूबर 1947 तक महाराजा हरि सिंह जो लास्ट रूलर ऑफ द जम्मू कश्मीर स्टेट थे उन्होंने रूल किया और बड़े डिग्निफाइड तरीके से डोगरा ने अपना रूल्स किया। कहीं भी यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं हुई, कहीं कोई कंफ्लिक्ट नहीं हुई, कहीं कोई इस किस्म की बातें नहीं हुई। लेकिन मैंने 1931 की बात की है और 1949 की बात की है। आपको पता है कि यहां पे मुझे लगता है कि उसमें कांग्रेस का उस समय भी ये साजिश रही होगी जो टू नेशन थ्योरी की बात थी, शेख अब्दुल्ला को यहां प्रमोट किया और शेख अब्दुल्ला ने यहां
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, जिसमें जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, आज राहुल गांधी की बात से ये बात जुड़ती है। और उसके बाद उन्होंने ये बात भी कही कि हमने महाराजा हरि सिंह या राजे महाराजाओं को यहां से निकाल दिया, तो वो बात 1949 के साथ जुड़ती है। जब ये कंडीशन शेख अब्दुल्ला ने रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने कि जब तक आप महाराजा को यहां से जिला वतन नहीं करते तब तक मैं यहां काम ठीक तरीके से नहीं चलने दूंगा। डोगरों ने तब भी खून का लहू पिया था और वो पिया था लहू और अपने जिगर में आज तक हमारे में वो आग है। लेकिन ये लोग हमारी कहीं ना कहीं जो हमारी क्रेडिबिलिटी है, जो डोगरों की आन बान शान है, आज राहुल गांधी जी ने, मैं तो उसको ज्यादा सीरियस लेता नहीं क्योंकि मैं रहा हूं उनके साथ, मुझे पता है उनकी कैपेसिटी क्या है और मेरा काफी आना जाना रहा है वहां पे, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा, मैं तो ज्यादा सीरियस नहीं लेता। लेकिन मुझे ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने जो फोर फादर्स हैं, जो यहाँ के हमारे राजे महाराजा रहे हैं, जिन्होंने ये जम्मू कश्मीर की रियासत को कार्व किया था, मैं उनको डिफेंड तो कर सकता हूं। तो मैं राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूं और कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि 1931 में भी आपकी ही साजिश थी और 1949 में भी आपकी ही साजिश थी और आज भी वही साजिश कर रहे हैं आप। यहां मिलिटेंसी जो हुई है ये किसकी साजिश है? 1986 का अगर यहां अकार्ड नहीं करते ये लोग तो आज यहां ये कत्लोघात नहीं होती। तो मुझे सिर्फ कांग्रेस से ये सवाल पूछने हैं, एक तो जो चुनाव मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और उसकी बातें बहुत सी ज्यादा सामने आ रही है, और मैं राहुल गांधी जी से एक और सवाल पूछना चाहता हूं। हरि पर्वत का नाम कोहे मौरान रखा है और उसी में राहुल गांधी जी को मैं उनका वंशज नहीं मानता हूं, बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं, जुम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, वो नेहरू परिवार के भैया नहीं है। मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, वो अलग डिबेट का डिस्कशन का विषय है। लेकिन जो नेहरू परिवार यहां से जिसने रिहाइश तरक की थी, उनकी जो इष्ट देवी है उसी कोहे मौरान जिसका नामिक्लेचर चेंज करने जा रहे हैं, उसके बारे में ये जो कहते हैं कि हम नेहरू और इंदिरा के वारिस हैं, राहुल गांधी जी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं और कांग्रेस के लोगों से ये सवाल पूछना चाहते हूं कि तख्ते सुलेमान और कोहे मौरान के बारे में उनका क्या जवाब है। बाकी बातें तो मेरी बहन ने कही है, मैं ओपन डिबेट के लिए रखता हूं और मुझे सिर्फ कांग्रेस से नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलो, महाराजा के साथ जानोगरों के साथ इंसाफ नहीं किया है। मेरी लड़ाई कांग्रेस में भी रहते हुए जम्मू को पॉलिटिकली इंपावरमेंट के लिए हम लड़ते थे, जम्मू का हिस्सा मांगने के लिए लड़ते थे और वो लड़ाई आज भी जारी है और भारतीय जनता पार्टी ने उसका डिसाइड अगर आप देखेंगे 2019 5 अगस्त को एक बहुत बड़ी लाइन ड्रा कर दी है। मुझे लगता है कि ये इलेक्शन जो है ये जम्मू कश्मीर की आने वाली जो पीढ़ी है वो फिर डिसाइड करेगी। लेकिन मैं फिर उसी पे आता हूं कि मेरे महाराजा के लिए जो उन्होंने साजिश की और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि हमने राजे महाराजाओं को निकाल दिया बिना शर्त माफी मांगे राहुल गांधी और कांग्रेसी, नहीं तो हम डोगरे हैं, अगर हम एक्सेप्शन लासा तक जा सकते हैं तो ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी विभिन्न रिप्लाई दे सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगी लेफ्टिनेंट जनरल राकेश जी से कि आपके समक्ष अपनी सोच और अपने कुछ धन्यवाद शाहजल जी, धन्यवाद शांत जी। ज्यादातर आपको बता दिया गया है लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि राहुल गांधी
पहले ही जब आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं, तो हमारी जो अस्मिता है, जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारे पूजनीय है, उन्हीं के ऊपर में वो आला चल जाते हैं। ये कैसे है, कैसी उनकी एंट्री हुई है यहां पर? और हम, ये जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जिसमें दो जगह का नाम है, कोई और भारत वर्ष में कोई ऐसी स्टेट नहीं है, इसमें जम्मू और कश्मीर जुड़ के बनता है, दोनों साथ में है। तो मैं कहता हूं ये रोष पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है कि उन्होंने हमारे जो राजा जिन्होंने कि मैं कहता हूं कि ये एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट थी जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, और उसके बीच में इतना भाईचारा बना के रखा और कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं होने दी। मैं ये कहूंगा कि जब 47 के बीच में कबाइलियों ने और ट्राइब्समैन ने जब अक्टूबर के 22 अक्टूबर को उन्होंने हमला करके कश्मीर को लेने की कोशिश की थी, तो जैसे ही मुजफ्फराबाद गिरा तो उसके बाद में महाराजा का ये स्टेटमेंट था, उन्होंने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को कहा, उन्होंने कहा कि मैं आगे जाना चाहता हूं क्योंकि उनको रोकना पड़ेगा, मुजफ्फराबाद जल्दी गिर गया है। और वो किसके लिए था? मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट थी, 75% वो तो कश्मीर की तरफ में वो सारा था, जम्मू की रीजन की तरफ नहीं था। तो उन्होंने अपने भाईचारे के लिए, अपने मुसलमान भाई लोगों के लिए, तो हम वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, वो हमारे राजा वो राजा हैं जिन्होंने, तो हम वही प्रथा चलाई जा रहे हैं उनकी। तो ये कहना उनका, ये हमारे ऊपर में, ये हमारे राजा के ऊपर में, हमारे ऊपर में ये देश की धोखी है। हम जैसे श्याम जी ने कहा है, हम चाहेंगे कि वो इसकी माफी मांगे, और इसके नहीं अगर माफी मांगेंगे, अगर हम लोग बाकियों को खदेड़ के दूर दूर तक ले जा सकते हैं तो हम इनको खदेड़ के हम शायद इनको भी टिकट तक लेके जाएंगे। धन्यवाद। साथियों कुछ और भी बातें कही हैं राहुल गांधी जी ने, जैसे कि मैं लगातार उनको कहती हूँ फटाफट साम्राज्य के बेताज बादशाह। उन्होंने बिजली के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। एक सवाल उनसे है, वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को लेकर क्या सोच है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट को लेकर क्या सोच है, आर्टिकल 70 को लेकर क्या सोच है, यहाँ पे आरक्षण को लेकर क्या सोच है, संविधान को लेकर क्या सोच है, पाकिस्तान के साथ डायलॉग को लेकर क्या सोच है। लेकिन कम से कम ये तो बताएं कि हिमाचल में जहां उनकी सरकार है वहां 3 जुलाई इसी साल को कि उन्होंने जो 300 यूनिट फ्री बिजली बांटने की बात कही थी तो सब्सिडी को कैंसिल किया। क्यों कहा कि भाई वादा तो कर लिया था लेकिन वादा पूरा नहीं कर सकते, तो कम से कम उसका तो सवाल दें कि जिस वादा करके वो आए थे उस पूरे वादे क्या खिलाफी क्यों की उन्होंने, और किस बिना पर उन्होंने पहले वो वादा किया था। क्या इसी तरह से वो एक बार फिर से फटाफट फटाफट की बातें करके लोगों को भ्रमित करने, लोगों को बेवकूफ बनाने, और लोगों की जो अस्मिता और प्राइड है, जो उनकी डिग्निटी है, जो उनकी लेगेसी है, उसको अपमानित करते आए हैं। जो हमारे डोगरा राजा रहे हैं, जिनकी वजह से, जिनकी सोच की वजह से जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है, उसको अपमानित करने आए हैं। कुछ और आपके सवाल होंगे साथियों, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आपका सवाल जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखेंगे तो गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप और डिटेल सिस्टम जो है वो इन प्लेस है, और हमारा जो नर्सरी है मैं यहां मेंशन नहीं करूंगा वो कहां से शुरू होती है, और भारतीय जनता पार्टी में आपको लगता है कि यहां कोई लीडरशिप वैक्यूम है? जम्मू की बात कर रहा हूं मैं, कि जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि कश्मीर भी, जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूनिट है हमारे, तो लीडरशिप वैक्यूम नहीं लगता है। हम नहीं कहते कि हमारा बड़ा काद है लीडरशिप में, लेकिन कहीं हो जाए तो रैंकिंग हो जाए। फिर कोई और सवाल? शायद
देखिए एक दो दिन में हमारा मैनिफेस्टो आ जाएगा, आप देखेंगे हम उसको मैनिफेस्टो नहीं कहते हैं, हमारा संकल्प पत्र होगा। और 1952 से अलवाड़ा बोलेंगे आज श्यामलाल इतिहास की बातें करें, क्योंकि मेरे इतिहास में किसी ने वार किया है तो मैं इतिहास की बात करूं। जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था, मैनिफेस्ट घोषणा पत्र था, उसमें 370 थी, 35 से भी थी, राम मंदिर भी था, ट्रिपल क्लास भी थी। तो गारंटी जो है वो आज 100% जो है अगर आप देखेंगे तो वो पूरी की है। तो ये जो आपने बात कही है कि बिजली के बारे में, मुझे भी इस चीज का दुख होता है, मैं वहां छटपटाता था इसी चीज के लिए कि इतना पोटेंशियल है, सिर्फ मेरे चनाब बेसन जो है उसमें 20,000 मेगावाट का पोटेंशियल है, आज तक हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सके, उसको एक्सप्लोर नहीं कर सके, हम डिपेंडेंट रहे। कारण क्या रहा? हालत स्लोगन, कभी सेल्फ रूल आ गया, कभी अटानमी आ गई, कभी डबल करेंसी आ गई, और हम डिपेंडेंट बने ही नहीं। तो आज मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो रोड मैप है, अभी आप देख रहे हैं 5 हमारे जो पावर प्रोजेक्ट है, 3 तो इसी चुनाव बेसन पे आ रहे हैं और उसमें बसवार भी होगा। तो ये सारी चीजें जो है हमारे मैनिफेस्टो में। आप बीएसए के मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएंगे, तो जहां पर स्थानीय लोगों को मुद्दे हैं, बिजली के बिल हो गए, पौधे पेंशन हो गई, राशन का मसला हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गई, इन मसलों को लेकर आए, लेकिन बीजेपी इन मसलों पर बात नहीं आई। क्या आप इन मसलों को मसला नहीं? मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप पेंशन की बात करेंगे तो 1,000 पेंशन किसने की? बंद होगी, मिल रही है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो डिजर्व करता है, जो इस कैटेगरी में आता है, वी शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट, उनको मिल रही है, और हो सकता है उसमें भी कुछ इजाफा हो। इसी तरीके के राशन की बात आप कर रहे हैं, तो राशन आप देखें, जब से कोविड और उससे पहले भी एपीएल और बीपीएल वालों को जो है वो राशन मिल रहा है। जिस तरह से आपने मैनिफेस्टो की बात की कि 2 या 3 दिन में आपकी तरफ से मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर दिया जाएगा, या इस मैनिफेस्टो में हम डेली वेजेस की बात देख पाएंगे, क्योंकि लंबे समय से डेली वेजेस जो है वो बीजेपी में खाता नाराज, बीजेपी में नहीं विपक्षी दलों को भी खाता नाराज इस समय देखने को नजर आ रहा है, तो क्या डेली वेजेस की इस मैनिफेस्टो में बात की जाएगी? देखिए, जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट रही है, चाहे मैं भी उनका पार्ट रहा, वो सबसे नाराज है और उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। मैं आज इस मंच से यही कहता हूं कि उनको भी इंसाफ मिले। धन्यवाद।